अपनी बात को कहने में इतनी मधुरता रखिए कि अगर भविष्य में वापिस लेनी पड़े तो हमें खुद को कड़वी ना लगे। नमस्कार, हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इस स्पीच एंसर में। आज के वीडियो में हम जानेंगे नीट फूड के बारे में। नीट फूड के बारे में हम जानते हुए ये भी देखेंगे कि इससे हम किस तरीके का फैब्रिक सिल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, इसको जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे नीट फूड। नीट फूड से हम स्वेटर या ब्लैंकेट में जैसे सिलाई खुल जाता है, उसे हम इस नीट फूड की सहायता से बड़े ही आसानी से स्टिच कर सकते हैं घर में। ये सामने से तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये देख सकते हैं। और ये जो उठा हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं, मैं मशीन में जब अटैच करूंगी इसे तो आपको दिखाऊंगी अच्छे तरीके से। ये जो है, जो हमारा नीडिल स्क्रू है उसके ऊपर ये आके सेट होता है। ये सीधे साइड से तो कुछ इस तरीके का दिखता है और उल्टे साइड से ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये है। उल्टे साइड से ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, बिल्कुल फ्लैट है ये, कहीं से कुछ भी इसमें स्पेस अलग से नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये रबड़ है। अब मैं सीधे साइड से दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं जब हम स्वेटर या ब्लैंकेट इसमें स्टिच करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। देखिए, ये जब इस तरीके से मशीन चलाएंगे तो ये ऊपर की तरफ उठता है फिर नीचे जाता है। इसकी वजह से जब हम कोई भी स्वेटर ब्लैंकेट जब स्टिच करेंगे इससे तो इजीली इसकी वजह से हमारा कपड़ा जो है स्वेटर वगैरह आगे मूव करने में ये रबड़ जो है काफी सहायता करता है। ये देख लीजिए, इस तरीके से मशीन में जब हम मशीन चलाएंगे तो इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है और ये कपड़े को पीछे खिसकाने में काफी सहायता करता है। मान लीजिए कभी ऐसा भी हो कि आपके फुट से रबड़ अगर निकल के गुम भी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत आसानी से निकल भी जाता है, और गुम हो जाए तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, तब भी ये उतना ही काम करेगा जितना ये इसमें रबड़ रहते हुए काम करेगा। ये रहे ना रहे कोई खास इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम इसका मशीन में इंस्टॉलेशन देखते हैं और ये स्वेटर वगैरह जब हम सिलते हैं तो ये किस तरीके से काम करता है। कभी कभी हम बाजार से स्वेटर रेडीमेड लेके आते हैं और वॉश करने के बाद फैल जाता है, जो कि जब हम पहनते हैं तो हम अच्छा नहीं लगता, लूज लूज सा लगता है। तो आप बड़े ही आसान तरीके से इस नीट फुट की सहायता से आप घर में उसे अपने हिसाब से फिटिंग दे सकते हैं। चलिए इसका इंस्टॉलेशन देखते हैं और एक कैसे स्वेटर पे काम करता है वो भी जानेंगे। ये हमने आपको दिखाने के लिए स्वेटर लिया है और ये काफी लूज हो गया है, कई बार वॉश होने के बाद ये फैल जाता है। तो मैं इसे आपको सिल के दिखाऊंगी कि बहुत ही आसान तरीके से, जो कि नॉर्मल फुट से सिलना, जो कि नॉर्मल जिगजैग फुट से इसे अल्टर करना बहुत मुश्किल है, और इसे हम नीट फुट से बहुत आसानी से स्टिच कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसे हम अल्टर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये नीट फुट जो है स्नैप ऑन फुट है, इसको मशीन में इंस्टॉल करने के लिए हमें इस स्क्रू को खोलने की कोई जरूरत नहीं है। फुट को मशीन में इंस्टॉल करते समय नीडिल ऊपर होना चाहिए, प्रेशर फुट लिफ्टर ऊपर की तरफ होना चाहिए, और ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये हमारे नीडिल स्क्रू के ऊपर आना चाहिए। तो इसे हम कैसे लगाएंगे? इसको लगाने के लिए हम इस तरीके से पीछे से लेके आएंगे, यानी ये देख सकते हैं हम मशीन के
आगे को रखा और इस तरह के से लेके आएंगे, देख सकते हैं ये हमारे नीडिल स्क्रू के ऊपर आ चुका है। अब हम प्रेशर फुट लिफ्टर को नीचे की तरफ करेंगे, ये देख सकते हैं एक इस तरीके से काम करेगा। आइए आपको इसको इंस्टॉल करना एक बार दोबारा से दिखाती हूँ। ये इस तरीके से मशीन के आगे से लेके आएंगे इस तरीके से, ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब हम प्रेशर फुट लिफ्टर को नीचे की तरफ करेंगे, ये देख सकते हैं हमारा फुट जो है लग चुका है। और प्रेशर फुट लिफ्टर को मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ तो देख सकते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। आइए पहले मैं इसे नॉर्मल कपड़े पे चला के दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से करता है। आप इसे सिलने के लिए स्वेटर या ब्लैंकेट जो भी है आप 14 या 16 नंबर की सुई का इस्तेमाल करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा जब मैं मशीन को चला रही हूँ तो ये किस तरीके से काम करता है, और यहाँ भी ध्यान दीजिएगा जहाँ ये रबर दिया हुआ है। ये देख सकते हैं जब मैं मशीन चला रही हूँ तो कितने अच्छे तरीके से कपड़े को आगे बढ़ाने में मदद करता है। जब हम स्वेटर को अल्टर करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना होगा, जो कि ये बहुत खास टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, इस तरीके से खींच के रखना है आपको आगे भी और पीछे भी। जिस तरीके से हम इलास्टिक को लगाते हैं आगे और पीछे दोनों तरफ खींच के रखते हैं, उसी तरीके से हमें अपने स्वेटर को भी आगे और पीछे इस तरीके से अच्छे से बैलेंस करके चलना है, हल्का सा खींचते हुए चलना है। अगर आप इस तरीके से खींचेंगे नहीं तो क्या होगा, जब आप स्वेटर पहनेंगे तो धागा खिंचाव करेगा और वो धागा टूट जाएगा, फिर आपका सिलाई करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। शुरू में हम सिलाई को लॉक करेंगे यहाँ पर। मैं यहाँ पर अभी सिंपल स्टिच करके दिखा रही हूँ आपको। सिंपल स्टिच करने के लिए स्वेटर पे हमें नॉर्मल सेटिंग, जैसे नॉर्मल कपड़ा सिलते हैं उस तरीके का सेटिंग चाहिए, कुछ भी हमें इसमें चेंज नहीं करना है। और देखिए इस तरीके से हमें हल्का सा खींच के रखना है तब स्टिच करेंगे। ये देख सकते हैं ये हमने ब्लैक कलर के धागे से स्टिच किया है ताकि आप अच्छे से देख पाए। ये हमने इस तरीके से आगे पीछे इलास्टिक के जैसे खींच के स्टिच किया है, तो यहाँ कहीं भी कोई खिंचाव नहीं आया है स्वेटर में और आप इसे इजिली पहन भी पाएंगे। अगर बिना खींचे आपने इसे स्टिच कर दिया, इस तरीके से नहीं खींचा और सिंपल स्टिच कर दिया जैसे हम नॉर्मल कपड़े को स्टिच करते हैं, तो ये धागा टूटने लगेगा जब आप इसे पहनोगे, खिंचाव पड़ेगा। तो और एक तरीका और है, कभी कभी क्या होता है रेडीमेड स्वेटर में यहाँ पर ये सिलाई जो है किनारे का खुल जाता है और ये ऊन जो है खुलने लगता है धीरे धीरे। उसे हमें हाथ से अल्टर करने में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो एक एक धागा एक जगह से अगर खुला तो सारा खुलने लगता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने मशीन में जिगजैग को सिलेक्ट करेंगे। मैं जिगजैग सेलेक्ट करके आपको दिखाती हूँ। जिगजैग सेलेक्ट करते समय नीडिल ऊपर की तरफ होना चाहिए। सिर्फ जिगजैग सेलेक्ट करना है, बाकी सब कुछ सेटिंग वैसे ही रहेगा।
जैसे नॉर्मल में होता है। एक बार पहले हैंड रेल की सहायता से आप चेक कर लीजिए कि कहीं सुई आपकी टकराए तो नहीं रही, तो ये बिल्कुल ठीक है। जिगजेग करते समय भी हमें, जैसे मैंने ये अल्टर करते समय, यहाँ पर स्टिच करते समय आगे पीछे इस तरीके से हल्का सा खींचने के लिए बोला था स्वेटर, ये जिगजेग में भी वैसे ही हमें दोनों साइड आगे और पीछे हल्का सा खींचते हुए हमें जिगजेग करना है इस तरीके से। थोड़ी दूर खींच के सेट करके और स्टिच कर लीजिए, उसके बाद फिर मशीन को रोकते हुए फिर सेट कर लीजिए खींच के और तभी चलाइए मशीन को। ये देख सकते हैं हमने जिगजैग किया और इस तरीके से हमने खींच के रखा, तो जब आप पहनोगे तो ये धागा टूटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमने जैसे ऊन स्ट्रेच होता है उसी तरीके से हमने इसे खींच के जिगजैग किया है, लॉक कर दिया है, हमने इंटरलॉक कर दिया है। आप ये दोनों तरीके से सिल सकते हैं। इसी तरीके से आप इस नीट फुट से मल्टी लेयर्ड कपड़े भी बहुत ही आसान तरीके से स्टिच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। आपका कोई सुझाव हो तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में हम जो भी सामान यूज करते हैं, जैसे मशीन, फ्रेंच कर्व, स्केल, निडिल, प्रेशर फुट, थ्रेड, इन सभी का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, आप वहां से बाय कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करें, यानी अपनी राय दें। हमारे चैनल के बाकी वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे चैनल के सभी नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।